इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. इस बार इको फ्रेंडली गणेशा जो मैंने अपने हाथों से बनाने की कोशिश की है ये आप देख ही रहे हैं. एंड इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ सॉर्ट. मैं ये चीज़ इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के ज़रिए मैं पूरी दुनिया तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप लोग जितने ज़्यादा लोग हो सकें इको फ्रेंडली गणेशा अपने घर पर लेकर आएँ. इज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे हमारे नेचर का, हमारी हमारी एनवायरनमेंट का. सो आई थिंक प्लीज़ उसका ख्याल रखें अगले साल से. एंड दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से. बहुत मेहनत लगी यार इसको बेस बनाने में. मेरा बेस इसमें 2-3 बार टूट गया, उसको फिर बनाना पड़ा, फिर उसको जोड़ना पड़ा, फिर कलर किया, फिर रिकलर किया. तो आई थिंक वो क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था तो वो प्रोसेस थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा रह गया मेरे लिए. बट अब कुछ 4-5 दिन में मूर्ति बन गई. राकेश ने काफी साथ दिया. राकेश ने ही साथ दिया, वो नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता. उसको देख देख के करता गया. मेरा गुरु है वो, और उसने मुझे सिखा दिया है. मुझसे बहुत बड़ी बात है, उसने मुझे सिखा दिया मूर्ति कैसे बनाते हैं. आई थिंक इट्स अमेजिंग. जी सब मेरी बहन का है. मेरी बहन ने ये सारी मेहनत की हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक. मैंने सिर्फ मूर्ति बनाने में अपना समय दिया और उसने बाकी सब कुछ तैयार करके मेरे सामने रख दिया. एज सिंपल एज दैट. हर साल की तरह जैसे गणेश जी सब मानते होंगे, इस बार भी कुछ ना कुछ मैं कभी भी पापा को इस नज़रिए से नहीं रखता कि मुझे ये मांगना है या ये चाहिए या ये नहीं चाहिए. मैं बस क्योंकि मैं पिछले 17 साल से गणपति को रखता आ रहा हूँ, इस बिकॉज मुझे ये त्यौहार बहुत पसंद. मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ पापा से. सो आई थिंक वो जो भी देकर जाएंगे वो अपने हिसाब से अच्छे से देकर जाएंगे. और मैं हमेशा से कहता हूँ ये उनका काम है, लेना देना अपना काम नहीं. अपना काम था मूर्ति बनाने का, बना दिया. आशीर्वाद देना नहीं देना वो देख लेंगे, अपने आप देख के निकल जाएंगे. जी अब आई मिस हर अलॉट, बट आई एम ग्लैड कि उसने ये प्रोसेस होते हुए देखा. एंड शी इज़ रियली प्राउड ऑफ मी. तो मुझे उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है. एंड आई एम हैप्पी. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं? हर साल ये बात उठती है. कई लोग कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है. लोग हर बार बताते हैं कि इको फ्रेंडली गणेशा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एनवायरनमेंट को, हमारी जो बीचेस हैं, और कितना गंदगी फैलती है. कितना गंदगी तो नहीं कहूँगा बट वो कितना पोल्यूशन होता है. ये सारी बातें हम कितने सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश को अब समझने की ज़रूरत है. बातें तो हो गई है, अब उनको समझना बहुत ज़रूरी है. तो जितना जल्दी हो सके अगर हम समझ जाएँ तो हमारे लिए बेहतर है. प्लीज़ समझ जाएँ. और अगले साल से प्लीज़ ये जो POP वाले गणेशा हैं उनको घर पर ना लाएँ. Please get an eco-friendly Ganesh. Thank you.